एंड यू न्यूज सच जो लाए सामने। आप सभी का स्वागत है, मौजूद है हमारे कॉलोनी के यूनिट नंबर 5 में। आज यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा मयूर नगर से 5 नंबर पर पैदल मार्च निकाला गया, जिसलिए यहाँ पे रास्ते जो खराब है आर्य कॉलोनी के, उसके खिलाफ आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का मोर्चा निकाला गया है। हमारे साथ में मौजूद है राम शिंदे जी, आज इनसे बात करना चाहेंगे। राम शिंदे जी, आपने ये मोर्चा निकाला है, रास्ता आर्य कॉलोनी के रास्ते बहुत खराब हो चुके हैं, इसके खिलाफ आपने मोर्चा निकाला है, आपकी क्या क्या मांगे हैं आप बताइए। जी साहब, ये हमने आर्य प्रशासन शासन को विगत दो साल से हम खत पे खत दिख रहे कि रास्ता बनाओ, टूटा रास्ता है, रास्ते पे गड्ढे में रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये शासन प्रशासन जो नींद में है, गहरी नींद में है, वो जागने के लिए आते हैं और मजबूरन होके हमको ये संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। और आपके माध्यम से सभी जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संघर्ष हमारा यहाँ पर थमने वाला नहीं है। आज जो बड़ी मात्रा में हमारे साथ में ये रास्ता के लिए जो सड़क पे उतरे हैं, इससे भी और कहीं ज़्यादा ये कोविड की वजह से अभी हमने कुछ नियम पाले हैं हमारे पुलिस प्रशासन। राम सिंधे जी वार्ड 53 के अध्यक्ष, इतना सकारात्मक की समस्याओं को देखने के लिए जो किए हैं, इसका समर्थन मुंबई भाजपा के तरफ से है, महाराष्ट्र भाजपा के तरफ से है। और जल्दी से जल्दी अगर रास्ता निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ, जो झोपड़पट्टी के अंदर लोगों को पानी की समस्या है, जिसके लिए राम शिंदे जी आंदोलनरत है, अगर ये समस्याएं शुरुआत नहीं हुई सबको ठीक करने की, तो पूरी भाजपा, मुंबई भाजपा, महाराष्ट्र भाजपा इनके साथ सहयोग में रहेगी और ऐसा आंदोलन की रचना किया जाएगा जो सालों तक लोग याद करेंगे और हर कीमत पर जो मूलभूत ज़रूरतें हैं आर्य कॉलोनी के निवासियों की, वो पूरा होगा। इसके लिए वार्ड 53 भाजपा के सभी कार्यकर्ता संकल्पित है और राम शिंदे जी के नेतृत्व में ये आंदोलन की आज शुरुआत हुई है। अगली बार आप देखेंगे कि हम घंटों के लिए नहीं, पूरे दिन के लिए रास्ते पर बैठेंगे। हम हमारी जान की परवाह नहीं करेंगे, हमारी तकलीफों की परवाह नहीं करेंगे। हमें आर्य कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी तकलीफों की परवाह है और इसके लिए हम सब एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, अपना पूरा ताकत झोंकेंगे। आर्य कॉलोनी के रास्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, अभी यहाँ पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे क्या बात है, आज यहाँ पे भाजपा वार्ड 53 की तरफ से श्री राम शिंदे जी की